अब तक आपने देखा? दादाजी, हमें लगता है कि पूनम हमारे प्रियोम के साथ बाहर है। आज के बाद अगर प्रियोम और पूनम का नाम साथ में लिया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ए मिथुलेश्वर जी, जा जल्दी जा, लखनवा को धर दबोच कर लेकर आ, और वो कुलच्छिनी को भी लेकर आ। क्या हुआ बुड्ढी को, उसका कुछ पता चला? क्या नहीं आया? अब देखिए आगे। देखे हो ठकुराइन को कहीं? चाचा, आप किसी लड़का लड़की को गुजरते हुए देखे हैं? हाँ, कुछ देर पहले एक बाइक को इधर से गुजरते तो देखा था। और रही पूनम की बात, तो क्या पता कि भांग के नशे में उसे अपना पुराना प्यार याद आ गया हो। दिमाग खराब हो, कभी अम्मा की बात, कभी बिल्लिया की बात। ना, बिल्लिया की बात मान के अपनी पूनम पे शक नहीं करेंगे, उसपे शक करके उसका दिल और नहीं दुखाएंगे। सिर्फ हमारी है, हमारी। तुम जहां कहीं भी हो, तुम्हारे लाखन ठाकुर तुमको अब घर वापस लेकर ही जाएंगे। तुमसे बहुत प्यार करते हैं जॉर्ज। प्यार पर तब तक सबको यकीन होता है जब तक उनको कोई धोखा ना दे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? अभी हमें भी आपसे प्यार हुआ। आप हमें धोखा दे दी। धोखा है ना बुड्ढी जी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज आप हमसे प्यार करती हैं और हम आपको धोखा दे रहे हैं। जो अनाप शनाप मन में भके जा रहे हो डॉट, हमें ऐसा मजाक पसंद नहीं है। कहो कि तुम हमसे प्यार करते। कहा ना प्यार करते थे गुड्डी जी, लेकिन अब नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो ना डॉ, छेड़ रहे हो ना हमें? हाँ गुड्डी जी, समझदार को इशारा काफी होता है। कहाँ नहीं जा सकते? मेरे पास बचा कहाँ है? आप कुछ तो दे दिए। प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हम तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं। हमने कहा ना, वो हमारी गलती थी, पर अब सच में तुमसे प्यार करते हैं। तो जिंदगी भर बैठ कर इस गलती का हर्जाना भरिए।
था, गाड़ी 200 रुपए की, कड़ वाले मारवाड़ी सेठ से खरीदे थे, क्योंकि हम जानते हैं इससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं। डोंट, रुक जाओ, डोंट, 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 रुको, है ना? पिला। बहुत परेशान लग रहे हैं लाखन ठाकुर, तुम्हें मदद चाहिए का? हमारी क्या मदद कर सकते हैं? हमने सोचा कोनो फोन लगाना है आपको, कि पूरे बेगूसराय में एकमात्र हमारा ही दुकान है जो रात भर चलता है, पर लगता है ये कमबख्त मोबाइल के कारण अपना दुकान बंद करना पड़ेगा हमको। एक मिनट, हमारी ठाकुरायन को देखा है? हाँ हाँ, उन्हें प्रियम ठाकुर के साथ जीप में बैठकर जाते हुए देखा ना थोड़ी देर पहले। प्रियम के साथ जीप? ठाकुर साहब ये क्या कर रहे हैं? हिम्मत कैसे हो तुम्हारा ये बात बोलने का? देखिए ठाकुर साहब, हमने तो वही का जो देखा था। मारेंगे लोटा ना, मुंह फट जाएगा तुम्हारा। मुझे माफ कर दीजिए। लाखन को भड़काना हमको समझ में आता है, लेकिन उसके बाद भी तो तुम चुप नहीं हुई। दद्दाजी अगर गुस्सा करके तुम ही जानती हो ना दद्दाजी का गुस्सा, काहे के लिए हमारा टेंशन बढ़ाती हो? हम दद्दाजी का गुस्सा जानते हैं, इसीलिए तो ये सब बोल रहे थे, और हम कुछ झूठ नहीं बोल रहे। हम देखे हैं पूनम को प्रियम के साथ जाते हुए। ठाकुर खानदान को भी तो पता चले कि इज्जत नीलाम होना किसको कहते हैं। एक तरफ इनकी बहू अपना मुंह काला कर रही है, वो भी हमारे पति प्रियम के साथ, और दूसरी तरफ इनकी बेटी कुट्टी इनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली है। बड़बड़ा रही हो, अरे इन सब के बीच में गुड्डी कहां से आती? ए दुल्हन, सुबह का भांग का नशा अभी चढ़ रहा है का सर पर? ये भांग का नशा नहीं है, बल्कि हम आज होश में आए। हम उस प्रियम ठाकुर को नेक इंसान समझने लगे थे कि इस घर में उभय है जो हमको समझता है, लेकिन भूल गए थे
कि वो भी इसी खानदान का खून है ना। हमारा इस्तेमाल किया उसने, हमसे शादी करने के आड़ में पूनम से रिश्ता चलाता रहा। इस ठाकुर परिवार की तरह ना उसने भी हमारे साथ छल किया है। नहीं छोड़ेंगे, अब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस वीरान सी जगह में टोल भला क्यों आएगा? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रियम, लेकिन भैया अकेले गए इसका मतलब गुड्डी है कहीं। देखो हम इस तरफ जाते हैं। अपना फोन अपने पास रखो और संभाल कर, और अगर कुछ भी लगे तो हमको फोन कर देना। हमारी फिक्र मत कर, आप गुड्डी को ढूंढ। अरे तू किताब का पढ़ लिया, अपने आप को कलेक्टर समझता, और वो सभ्यता अलग है, और ये सभ्यता हमारी सभ्यता है, हजारों साल पुरानी हमारी सभ्यता है, आन बान चार हमारी मर्यादा है, लाज लज्जा है, लिहाज है। कहा था हमने फोर्स पहले लौट आना, घर की बात घर में रहनी चाहिए, नहीं आया ए लखनवा। लगा टिप्टी वाला लगा, अरे मोबाइल वाला लगा फटाफट। हम कहा हम लगाते हैं फोन लगाते हैं। माया दुल्हन बच्चों को लेके जाओ, सुला दो उनको। जी चल। तुम दोनों जागे कैसे? वो दादाजी की आवाज से नींद खुल गई, वरना ये तो यहाँ तक आने के लिए भी डर रही थी। हम का डरे? दादाजी की आवाज से बच्चे उठ गए तो गुड्डी अब तक कैसे सो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि पुनमी गुड्डी के ही कमरे में हो और नीचे बेकार में इतना बवाल मच रहा हो? हम जाकर देखते हैं। अब तुम दोनों कमरे में जाओ, हम आते हैं। हा? आप कहें तो टावरवा लगा दूं या हवेलियां वहां? एक टिप्टीवा लगाने कहा, कितना टाइम हो गया, क्या कर रही हैं आप? दो तीन बार लगा चुके हैं, फोन उठाता ही नहीं लखन। कहां होगी हमारी पुनमी? हे ईश्वर, वो जहां भी हो सही सलामत घर लौटा है। बहुत बड़ा पापों की आज हमने आपके संस्कारों को शर्मिंदा कर दिया पापा। हम तो आपसे माफी मांगने के लायक भी नहीं रहे। नातियों में खुद से अपने शरीर से जैसे डांटने छुआ। परिवार वालों से नजरें कैसे मिलाएंगे आप? उनको मुंह कैसे दिखाएंगे आप? सिर्फ एक ही रास्ता बचा। We'll be right back.
भी आपसे प्यार हुआ, लेकिन आप हमें धोखा दे दें। कहा है ना गुड्डी जी, इतिहास अपने आप को दोहराता है। हमने कहा ना वो हमारी गलती थी, पर अब सच में तुमसे प्यार करते। तो जिंदगी भर बैठ कर इस गलती का हर्जाना भरी है। देखो माई, ऐसा क्या हो गया था जो तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? हा? बोलो बोलो, चुप क्यों? हम तुम्हारी पक्की वाली सहेली हुआ करते थे गुड्डी, जिसे तुम कुछ नहीं छुपाती थी। बोलो बोलो क्या हुआ, बोलो क्या हुआ? बोलो बताओ। कहाँ हो पूनम, कब से ढूंढ रहे हैं? बस फोन लगा के देखते हैं फिर से। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। अभी भी पुलिस का बंद आ रहा है, क्या करें हम? इसको तो फोन नहीं करेंगे। करे भी तो क्या करे, कोई रास्ता भी नहीं है। यहां तो ना कहीं पूनम नजर आ रही है ना उसका फोन लग रहा है।
कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंसी हो। लाखन, अब इससे क्या कहे? हमको तो खुद कुछ नहीं पता। पूनम, पूनम कहाँ हो तुम? तुम सुन सकती हो ना हमको? पूनम,